इतने पास में बैठने की क्या जरूरत थी, इतनी दूरी रह गई थी तो गोद में बैठ जाती ना, और तुम भी गोद में बिठा लेते इसको। उल्टा मत बोलो ठीक है ना गुनगुन। हाँ क्या, अरे यार मैंने ना पहले भी पढ़ रखी थी ये चीज, फिर मतलब उसको जितनी बार भी पढ़ लो। खड़ी हूँ ऐसे, क्यों क्या हुआ, क्यों क्या हुआ, बोल रही हूँ ना मैं खड़ी हूँ, क्या चल रहा है जी? ये लीजिए चाय पीकर बताइए, मैंने बनाई है। चाय तो बढ़िया बनी हुई है। और मैंने ना आज से पहले कभी चाय बनाई भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पहली बार मैं अपने घर में नहीं करती थी ना काम वाम, तो मैंने कहा यहाँ पे ऐसे रहूंगी तो पता चले गुनगुन भी चिल्लाए कि भाई कुछ काम नहीं करती, मैंने कहा लाओ चाय बना देती हूँ सबके लिए। कैसी लगी आपको? अच्छी बनी हुई है, पहली बार में तो बहुत अच्छी बनी हुई है। थैंक यू। ये है कि गुनगुन से तो ज्यादा सही बनी हुई है। अरे मैंने जब गुनगुन के हाथ की पहली बार पी थी, देखो तो सही बात है चाय उसकी बेकार लगी थी, लेकिन मेरे को फिर भी तारीफ करनी पड़ी थी, पर ये वाक्य ही काबिले तारीफ है। थैंक यू वेरी मच। नहीं मैंने तो खैर आज से पहले सच में नहीं बनाई है अपने घर में भी, क्योंकि था ही नहीं वहाँ पे इतना कुछ की चाय वाय जरूरी है। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं बस काम हम कर रहे थे, अब बाकी चाय देखते हैं, फिलहाल तो चाय का मजा ले रहे हैं। अब फिर अब आपका अपने काम पे कब जाओगे? जब काम आ जाएगा तभी जाएंगे। तो आपको बाहर जाना जरूरी होता है क्या? आप यहाँ से काम कर लिया करो ना। असल में मेरे को बाहर जाके अब पार्टी से भी तो बात करनी पड़ेगी ना, अब हर चीज है तो वो चीज यही मैनेज करो ना। अब यहाँ पे मैं तो देखो गुनगुन से तो बात करती नहीं हूँ, आपसे थोड़ा बहुत मैं बात करती हूँ, और घर में कोई है भी नहीं है। काम है ना, मेरे को भी तो अच्छा नहीं लगता ना गुनगुन को ऐसी हालत में लेकर, वो भी जाना पड़ता, क्या करें। फिर आप यहीं पे मैनेज कर लो। एक बात बताओ, आपको बुरा नहीं लगता आप गुनगुन के पेट में उसके, वो क्या नाम है उसका, समर का बच्चा है? यार देखो पुरानी बात है जो थी चली गई, फिर भी यार कैसे एडजस्ट कर लेते हो उसके पेट में उसका बच्चा यार। कोई नहीं हटाओ से हटाओ, ये देखो ये जोक पड़ रहा फोन में। अरे यार मैंने ना पहले भी पढ़ रखी थी ये चीज, फिर मतलब उसको जितनी बार भी पढ़ लो। खड़ी हूँ ऐसे, क्यों क्या हुआ, क्यों क्या हुआ, बोल रही हूँ ना मैं खड़ी हूँ, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। ऐसे क्यों रहे हो, क्या चल रहा है? जो बैठ रहा ना तुम भी पढ़ो। मुझे नहीं पढ़ना ऐसा जो। अरे भाई तुम भी पढ़ लो, मुझे नहीं पढ़ना ऐसा जो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हो गया अभी, हंस हंस के बातें चल रही है क्या? आपने मेरे को शेयर कर देना ध्रुव जी, ठीक है? चुप हो जाओ, शेयर कर देना। मैंने तुम्हें बोला था ना तो मैं यहाँ बैठा हुआ था। मैंने क्या बोला था? अरे मैं नहीं गया भाई, वो चाय उसने ऑफर करी थी। ठीक है लाइए चाय। बहुत बढ़िया घर की नौकरानी बना लो ना इसको। अरे मैंने थोड़ी मांगी थी, वो खुद लाई थी, मैं क्या बोलूं, वो खुद लाई थी चाय, मैंने थोड़ी मांगी थी। तुझे कितनी बार समझाया मैंने मेरे पति से, मैं तो अपने काम कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं तो तुम्हारे लिए कि मैंने सिर्फ काम कर देती हूं। मेरे पति की सेवा करने की जरूरत नहीं है, समझ में आई? मैं खुद कर सकती हूं। मैं ऐसी हूं ना, मैं खुद खा के खुद बना के खा लूं, मैं सबको शेयर करके खाती हूं। रह क्यों रही है यहाँ पे, जब तू यहाँ पे खुद कुछ नहीं कर सकती, दूसरों का भी तेरे सेवा करने में मजा आता है, तो यहाँ रह क्यों रही है? चली जा घर से। ध्रुव तुम चुप रहा, तुम्हें पीछे बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई? और तुमने इसने चाय दी और तुमने पी ली, कितनी बार मना करा ना मैंने, इसके हाथ से कुछ मत लेना ना कुछ खाना, और तुमने ले लियो, बैठ के दोनों दांत फाड़ रहे हो। अरे मैं तो काम कर रहा था, उस बीच में एक जोक आया था वो पढ़ रहा था। हाँ, वो इसे पढ़ा दिया तुमने, पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। अरे मैं हंस रहा था तो इन्होंने पूछा कि किस बात पर आओ तुम, ठीक है भाई आप, और मेरे पति से ना दूर रह, समझ में? मेरा ना कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है उनके साथ, ठीक है ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है? किस खुशी में बैठे थे आप किस, और इतने पास में बैठने की क्या जरूरत थी, इतनी दूरी रह गई थी तो गोद में बैठ जाती ना, और तुम भी गोद में बिठा लेते इसको। उल्टा मत बोलो ठीक है ना गुनगुन। हाँ क्या भाई, क्या भाई तो ले दे के मेरे पे चढ़ गए, मैंने बोला कि आओ। क्यों बैठी थी ये बताओ तुम मुझे, मैं तो चिल्लक से टच कर लेती तुम्हारे, आग लग जाती है ना। मैंने टच किया था या वो मेरे से टच होके बैठी थी? यार तुम इतनी सी बात का इशू बना रहे हो, मैं नॉर्मल अपना बैठ के भाई काम कर रहा था, अगर वो आके बैठ गई तो गैस के लिए चाय बने मेरे लिए का। अरे मैं आ रही थी, मैंने इनको दी चाय, अब ड्रामे स्टार्ट, चाय बनी रखी है, मैं दिखा सकती हूँ, मैं देने ही आती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब बनता है, तुम्हारा मतलब? मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेके आ रही हूं, 2 मिनट चुप हो जाओ। इतना लड़ने वाली क्या बात है इसमें यार, कभी तो कूल रह के बात कर लिया करो, हद होती है यार, तुम तो लड़े ही जा रही हो, जब से आई लड़े ही जा रही हो। तुम्हारी आरती थोड़ी ना उतारूंगी मैं, चाय की बात पे, छोटी छोटी चीजों पे। मुझे
तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, हाथ छोड़ दो। मतलब समर मेरे घर पे आ जाता है तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती है ना। अब ये लड़की तुम्हारे के चाय ऑफर करी, सिर्फ तुम्हें ही करी, मेरे पास तो आई नहीं देने के लिए चाय। मुझे क्या पता कि वो तुम्हें देके आई नहीं आई, मैं तो यार अपना काम कर रहा था यहाँ के, उसने आके मेरे को चाय दी, मैंने कहा ठीक है पी ली। और इतने पास बैठे गोद में बिठा लेते, चिपका लेते। मैंने थोड़ी बिठाया है, और ना गैप में बैठी है ना यार वो। अच्छा गैप में बैठी थी, तुमने देखा नहीं? तो नहीं थी मैं। तुमने नहीं देखा? तो देख नहीं रही थी। अरे यार मत लड़ो मेरे पीछे, ठीक है ना भाई, मैं कुछ नहीं दूंगी आज के बाद, बस। क्या हो गया तुम्हें भाई, तुम्हारे छोटी छोटी बातों पे इतना लड़ना यार। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? लग ही रहा था मुझे, कर ही रहे थे तुम दोनों के दोनों। अरे भाई मैंने बिठाया या कुछ किया? तो यहाँ क्या कर रही थी? और चाय डाली थी हमें बैठ के, तो मुझे क्या पता। और तुम चाय भी पी रहे हो बड़े आराम से। भाई मेरा चाय पीने का मन था, इतना में चाय उसने दे दी तो मैंने पी ली। अच्छा पी ली, और क्या बोल रहे थे तुम उससे? मैं काम कर रहा था। क्या बोल रहे थे? अपने मुंह से बताओ क्या बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे जब उसने तुम्हें चाय दी थी? सब देख रही थी मैं, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहा था? चाय जैसी बनी थी वो बता रहा था। साथ रह लो, उससे ही शादी कर लो। अरे क्या तुम पागल हो गए हो क्या? बोल रहे थे इसे, तुमने कैसे बोला? क्या बोला? क्या बोला तुम्हें नहीं पता क्या बोला? यही तो बोला था ना कि चाय अच्छी बनी है, अगर सही में जेनुइन जो चाय बनी है वही सच बोलने में दिक्कत है तो मुझसे कंपेयर करने की क्या जरूरत है? अरे कंपेयर क्या करी, कंपेयर नहीं किया तुमने ध्रुव, इतना सीधा बनने की तो तुम्हें जरूरत नहीं है। देखो यार मेरे से ना ये फालतू के कलेश तो झिलते हैं। हाँ आप फालतू के हो गए ना, अब समर की बात आती है जब तो तुम चिल्ला चिल्ला के मेरे ऊपर पड़ जाते हो। और भाई क्या सीन है तुम्हारा, तुम इस घर से जा रही हो नहीं जा रही हो, या मैं तुम्हें धक्के घर से बाहर निकालूं? मैं क्यों जाऊं? तो तुमने मेरे पति को चाय कैसे दी ये बताओ। अरे बहन मैं तुम्हें भी देने आई हूं। तुम्हारा एक बात बताओ, तुम्हारा सोफा है ये? नहीं है मेरा। नहीं तो तुम बैठे किसे पूछ के, और तुम्हारी रसोई तुम जाके चाय बना रही हो, कुछ भी कर रही हो। मैंने सोचा भाई मैं यार रह रही हूँ तो कुछ तो मैं काम वाम कर दूँ। मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला तुमसे काम करने के लिए, ध्रुव को चाय ऑफर करने के लिए। खा रही है मेरे घर में तो ये तो बोलूंगी ना मैं, तो इसलिए मैंने खास चलो चाय। तो मेरे पति को देने की क्या जरूरत होती है तुम्हें ये बताओ। और इतने तुम्हारे अंदर इतने मैनर्स है, तुम्हारी शादी हो चुकी है मेरे भाई से, और तुम इतने चिपक के यहाँ पे एक ही सोफे पे बैठी हो, दिख रहा है वो मुझको अच्छे से, हंस हंस के बात करो, क्लैपिंग करो। भाई ये कौन से तुम्हारे संस्कार है? आज के जमाने में भी क्यों नहीं सोचूंगी तुम्हारे लड़के के, मुझे कैरेक्टर पता नहीं है पहले तुम समर से पता है। और ओके ठीक है हाँ, तो मेरे घर में क्या कर रही हो फिर? मेरे घर में क्या कर रही हो फिर? तो तेरा भी अकेले का घर नहीं है, तेरा भी अकेले का घर नहीं है ठीक है। शादी होने के बावजूद भी दूसरों के साथ हाई फाई कर रही हो, इसकी बातें कर रही हो, लट्टू कर रही हो, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है ओके, समर को ही फोन करना पड़ेगा मुझे। हेलो समर यहाँ पर आओ, घर पर यहाँ पे इतने बड़े बड़े सीन हो रहे हैं ना, तुम्हें नहीं पता इस लड़की ने हद कर रखी है बहुत ज्यादा। खुद ने पहले हद करके छोड़ दिया सब कुछ। तेरे से बोल रही हूँ मैं, नहीं ना बात कर रही हूँ मैं तेरे से। हाँ मैं कर लूँ, हाँ मैं कर लूँ ना बात, पागल तो है ही तू, इसलिए अपने आप से बात कर रही है। समर तुम जल्दी घर पर आओ, तुम्हें सारी बात बतानी है इसके बारे में, इसने इतनी हद कर रखी है हमारे घर पे, या तो इसको घर से बाहर निकालो या तो मैं ही अपने घर से बाहर चली जाती हूँ। मेरे घर पे ये ड्रामे नहीं चलेंगे, धर्मशाला नहीं है मेरा घर बिल्कुल भी। आओ तुम अभी आओ, मुझे नहीं पता।